कोई बल्लेबाज बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है रुस्तम। पुनीत भाई जी दिखाते हैं यार, खेलना चाहते थे, अंपायर का इशारा, नो बॉल का इशारा आ अंपायर के द्वारा। हमारे शॉर्ट गेंद इतना अच्छा भरपूर फायदा उठा नहीं पाई रुस्तम, बैट और बॉल का इतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं, सीधे फील्डर के हाथों में गेंद, उमर की सिर अगली गई, लेकिन चारन के रूप में तब्दील हो गया। और अगली गेंद उमर की सामना करेंगे रुस्तम, कट किया स्वीप के फील्डर के पास से निकल गई, सीमा रेखा के बाहर चार रन के लिए, और इसी चार रन के सहारे टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन, काफी जबरदस्त बल्लेबाजी का नजारा पेश करता हुआ रुस्तम, कट किया घड़ी के क्षेत्र में खेला हुआ स्ट्रोक, फील्डर वहां मौजूद है, और चतुराई के साथ खेलना चाहते थे, गली की तरफ शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल का इतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद, आगे निकल कर आए, क्लीन बोल्ड कर दिया है रुस्तम को उमर ने, ऑफ स्टंप को छू के निकल गई, भारत मेडिकल टीम को लगने वाला ये पहला झटका जो कि रुस्तम के रूप में। हम बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं मारूफ, पिछले टूर्नामेंट में काफी जबरदस्त बल्लेबाजी का नजारा दिखाया था मारूफ ने, आज देखते हैं इस मैच में क्या कर पाते हैं इसराइल भाटी और मारूफ, इसराइल भाटी भी बहुत बड़ा बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है, आज देख पाते हैं क्या कर पाते हैं इस मैच में, बहुत बड़ा मुकाबला चलता हुआ आज की रात्रि का चौथा मुकाबला, इसराइल भाटी सामने, गेंदबाज का नाम उमर, उमर का सामना करेंगे, गेंद लेग पॉइंट की दिशा से भटके लेग स्टंप पे डाला हुआ गेंद, बैट और बॉल का इतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं, वाइड बॉल का इशारा, और इसी एक रन के सहारे टीम का बढ़ता हुआ स्कोर, फिर से व्हाइट बॉल लेग स्टंप के काफी बाहर, सिम पे टप्पा खाने के बाद में व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा, और एक रन और अतिरिक्त के रूप में मिलेगा उमर, काफी सुमल कर गेंदबाजी करनी होगी आपको, और फिर से काफी स्पिन डाल रहे हैं लेग स्टंप के काफी बाहर, लेग स्पिन डाल रहे हैं, शायद इनको अंदाजा नहीं है कि ये लेग स्पिन कहां से डाली जाएगी, तब जाकर ये लेग स्टंप पे डालेंगे तभी और बाहर निकलेगी, और नो बॉल का इशारा, फिर से 5 रन मिल जाएंगे, अभी तक एक गेंद भी नहीं डाली है उमर ने, 3 लगातार नो बॉल डाल दिए इस ओवर में, फुल टॉस गेंद बनाया, गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए, इसराइल भाटी जो कि स्टेट ड्राइव काफी कमाल की खेलते हैं, और नो बॉल का इशारा, शायद व्हाइट बॉल का भी इशारा आराम पाई के द्वारा, बेट और बॉल का इतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद, और शायद खतरा बन सकता था इसराइल भाटी को, लेकिन फील्डर वहां मौजूद है, बिना किसी रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा, और स्क्वेयर लेग के क्षेत्र में खेला हुआ कड़क शॉट, फील्डर वहां मौजूद था, लेकिन काफी घटिया फील्डिंग का प्रदर्शन दिखाता हुआ बिलाल क्रिकेट क्लब के खिलाड़ी, अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है बिलाल क्रिकेट क्लब को तो एक्स्ट्रा जो रन है उन पे अंकुश लगाना पड़ेगा, तभी आप इस टूर्नामेंट में बने रह सकते हैं, मिड विकेट के क्षेत्र में खेला हुआ स्ट्रोक, इसराइल भाटी ने एक और 4 रन जड़ दिए हैं, और इसी 4 रन के सहारे टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और ये भी थर्ड मैन की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक, फील्डर वहां मौजूद, बहुत ही गजब की फील्डिंग का नजारा पेश करता हुआ बिलाल क्रिकेट क्लब,
अंपायर के इशारे से देखना होगा, चार रन मिल जाएंगे शायद, नहीं मिलेंगे। स्केरलेक के फील्डर के पास गेंद, इतनी खूबसूरत फील्डिंग का नजारा, रन आउट का खतरा बन सकता था, लेकिन थोड़ा मिसफील्ड, एक रन मिल जाएगा आसानी के साथ। भैया अंपायर का निर्णय सर्वमान्य अंतिम रहेगा। मुरारी लाल प्रजापत सैनी, देख लो भाई, रन उमर अन्ना जी रिप्ले दिखा सकते हैं। लेग साइड में खेला है मिस फील्डिंग, यहाँ पे चार रन। अगली बॉल इसराइल बैटिंग खेलने के लिए तैयार, और अगली बॉल खेलने के लिए इसराइल बैटिंग तैयार। ऑफ साइड में खेल दिया है वो, चार रन, बहुत ही शानदार चौका। इसी के साथ स्कोर बढ़ता है 39 रन। बहुत अच्छी फील्डिंग यहाँ पे, बहुत लंबा एफर्ट लगाया है साबिर ने, काफी गजब की फील्डिंग का नजारा पेश करता हुआ बिलाल क्रिकेट क्लब। पहले की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक, फील्डर की पहुंच से काफी दूर, गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा के बाहर चार रन के लिए। आज की रात्रि का ये काफी रोमांचक मुकाबला चलता हुआ दुर्गा पूजा क्रिकेट क्लब के मैदान पर। और हल्के हाथों के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, एज लगा सीधे फील्डर के हाथों में, बिना किसी रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। दोनों ही टीमें पसीना बहाती हुई इस महाकाल रात्रि दुर्गा पूजा क्रिकेट क्लब के मैदान पर। उमर का सामना करेंगे मारूफ, ये भी काफी गजब की बल्लेबाजी करता है मारूफ, देखते हैं आज इस मुकाबले में क्या कर पाते हैं। उमर की शॉर्ट गेंद, हल्की हाथों के साथ सम्मान दिया मारूफ ने, क्योंकि मारूफ काफी गजब की बल्लेबाजी करता है ये बल्लेबाज। उमर की आगे निकल कर आए, लेकिन साबिर वहां मौजूद, बिना किसी रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। फुल टॉस बनाया, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला हुआ स्ट्रोक, फील्डर मौजूद, काफी गजब की फील्डिंग का नजारा पेश करता हुआ। नो बॉल का इशारा आ रहा है अंपायर के द्वारा, लेग स्टंप से भटके, बैट और बॉल का इतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर और उतनी गजब की फील्डिंग का नजारा पेश करता हुआ साबिर, 44 रन हो चुके हैं इस मुकाबले में। फुट ऑफ गेंद, उतना अच्छा फायदा उठा नहीं पाए गेंद समीर के पास जाते हुए। और कटिया फील्डर से मिस हुआ, गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा के बाहर चार रन के लिए। चार ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 48 रन, एक विकेट के नुकसान पर। इनिंग्स का पांच ओवर लेकर के आ रहे हैं साबिर, अभी फील्डिंग में बहुत बड़ा अच्छा करतब दिखा, देखते हैं गेंदबाजी में क्या कमाल दिखा पाते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा, और गेंद को खेला गली के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद है, बिना एक रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा, और इसी एक रन के सहारे टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 50 रन। काफी गजब की बल्लेबाजी का नजारा पेश करता हुआ मारूफ, लॉन्ग आर्म के क्षेत्र में खेला हुआ स्ट्रोक,
फील्डर लोगों का क्षेत्र मौजूद बिना किसी रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। और कट किया, फील्डर भाग रहा है, दूर रहा, खतरा बन सकता है, ज्यादा पैर के इशारे से देखना होगा। काफी गजब की फील्डिंग का नजारा पेश किया है अभी तक बिलाल क्रिकेट क्लब के सभी खिलाड़ियों ने। अभी जितनी भी जिस दिशा में फील्डिंग का नजारा हमें देखने को मिला है वो काबिले तारीफ बिलाल क्रिकेट क्लब के सभी फील्डरों को दिया जाएगा। शायद इस टूर्नामेंट का बेस्ट अवार्ड जिस टीम को दिया जाएगा वो बिलाल क्रिकेट क्लब है, क्योंकि अभी तक इन्होंने काफी जबरदस्त फील्डिंग का नजारा पेश किया है। अगली गेंद समीर की, और इस्लाइल भाटी ने निकाल दिया है गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में। बहुत लंबा बल्लेबाज, लंबी बैटिंग लाइन है इनकी बल्लेबाजी में। अभी देखते हैं समीर की अगली गेंद, हल्के हाथों के सारे खेला हुआ स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन का क्षेत्र का फील्डर वहां मौजूद, बिना किसी रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। और समीर काफी गजब की गेंदबाजी का नजारा पेश किया इस मैदान में। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 55 रन। 5 ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट खोया है अभी तक भारत मेडिकल ने, काफी मजबूत स्थिति में नजर आता हुआ। रहमान का सामना करेंगे मारूफ, आगे निकलकर आए और उतने गजब की फील्डिंग का नजारा पेश किया है साबिर ने। चारों तरफ मैदान के घूमते फिरते पड़ते गिरते गेंदों को जाने नहीं दे रहे बाउंड्री की तरफ, और उतना ही खूबसूरत फील्डिंग साबिर के द्वारा देखने को मिल रही है इस ग्राउंड पर। 40-50 चौका बचा लिया है हमसे कम। मिड विकेट के क्षेत्र में खेला हुआ स्ट्रोक फील्डर मौजूद है। इसराइल भाटी जूझ रहे अपने बल्लेबाजी से, 10 चौका तो इसराइल भाटी जूझ रहे अपनी बल्लेबाजी से, इतना अच्छा कुछ काम नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए। 9 बॉल का इशारा, 4 रन और मिल जाएंगे, 5 रन मिलेंगे भारत मेडिकल टीम को। और अपनी जबर फील्डिंग ज्योति रॉन्स की तरह फट लगाया है बिलाल क्रिकेट क्लब के सभी फील्डरों ने, काबिले तारीफ। ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में खेला हुआ स्ट्रोक, 4 रन बचा सकते थे लेकिन फील्डर की पहुंच से काफी दूर लंबा एफर्ट लगाया था, लेकिन बॉलर मतलब ओवर छठो है गयो। इनिंग्स का छठा ओवर चलता हुआ आगे निकल कर आए, लेकिन अपने खूबसूरत फील्डिंग, रन आउट का खतरा, इसराइल भाटी को जाना पड़ेगा मैदान से बाहर। भारत मेडिकल टीम को लगने वाला ये दूसरा झटका। आतिक अरे बल्ला से ठरका लियो ने ये अड़ा भाई के रत्ता नहीं जावले है। इनिंग्स का 7 ओवर लेकर के आ रहे हैं साबिर, और अपने कोटी का 2रा ओवर सामना करेंगे मारूफ। अभी तक इतना अच्छा कुछ कर नहीं पाए अपनी टीम के लिए, झूठ रहे अपनी बल्लेबाजी से। अब 4 चौका मारेगा, सामना करेंगे मारूफ, लगता मारेगा, गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा की तरफ 4 रन के लिए। पहला मिसफील्ड हमें देखने को मिला है बिलाल क्रिकेट क्लब के सभी खिलाड़ियों से। जो पानी की बोतल वो कृपया कमेंट्री बॉक्स में भेज दे भाई। और तेज गति के साथ लगाया हुआ स्ट्रोक, बहुत लंबा एफर्ट, फील्डर की पहुंच से काफी दूर, मिस हो गई गेंद, निकल गई सीमा रेखा की तरफ। कट किया गली के क्षेत्र में, गेंद शायद ट्रायल कर जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बहुत लंबा ड्राइव लगाया लेकिन अपनी टीम के लिए 4 रन नहीं बचा पाए फील्डर ने। अरे बचाने हो तो बॉल कर रही है। 9 बॉल का इशारा आराम पैर के द्वारा, लॉन्ग ओन के क्षेत्र में खेला हुआ स्ट्रोक, बहुत तेज गति के साथ पहुंचा दिया सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। समीर की अगली गेंद, मारूफ सामना करेंगे, फुल टॉस गेंद, 2 फील्डरों के बीच से निकाल दिया। 4 बोला 5 मार दिया ना, हाँ 9 4 बोला 5।
सबीर की अगली गेंद मारूफ चौको ही है। ये भी नो बॉल का इशारा भी आ रहा है, गेंद को पहुंचा दिया सी मारेगा के बाहर, स्क्वायर लेग के फील्डर के पास से गुजर गई गेंद। और शायद मारूफ को आउट होकर पेविलियन का रास्ता तय करना होगा। लेग अंपायर थोड़ा ध्यान दे बाउंड्री की तरफ। मुरारी लाल विकेट हो तो बताओ कि विकेट है, ध्यान दो थोड़ा सा यार। इक्यानवे रन हो चुके हैं, तीन विकेट वो आगलो ही है, देख ही कर रही है, मूछों को बाद में घुमा लेना। आसिफ नए बैट्समैन, आसिफ इक्यानवे रन अभी तो बोला भैया। सात ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर कोई ना तेज गति के साथ मिड विकेट के क्षेत्र में खेला वाइस्ट्रो, गेंद को पहुंचा दिया सी मारेगा के बाहर चार रन के लिए। इनिंग्स का आठ ओवर चलता हुआ आतिक के और तेज गति के साथ लगा दिया है छह रन के लिए, और ये एक विकेट का और पतन भारत क्रिकेट क्लब को लगने वाला, ये चौथा झटका। अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं प्रशांत उर्फ लाला, ये भी बहुत बड़ा बल्लेबाज हमें इस टूर्नामेंट में देखने को मिलेंगे। देखते हैं इनके बहुत बड़े बड़े चर्चे हैं, बहुत बड़ा बल्लेबाज पहुंच चुका है क्रीज पर। उमर की अगली गेंद बैट और बॉल का इतना सा संपर्क हुआ नहीं, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। उमर की अगली गेंद सामना करेंगे प्रशांत, मिड विकेट के क्षेत्र में खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद को पहुंचा दिया सी मारेगा के बाहर चार रन के लिए। उमर की अगली गेंद अभी तक रन पे अंकुश नहीं लगा पाई है बिलाल क्रिकेट क्लब। पांच गेंदें हो चुकी है इस ओवर की, लास्ट है गेंद आना और बाकी, आगे निकल कर आए विकेट कीपर से मिस हुआ, लेकिन रन आउट के रूप में प्रशांत को बाहर जाना पड़ेगा। भारत मेडिकल ने पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हूँ, 99 रन बनाए हैं। अब अगर बिलाल क्रिकेट क्लब को यह मुकाबला जीतना है तो 100 रन बनाने होंगे तभी आप इस टूर्नामेंट में बने रह सकते हैं। पहली बॉल डन है, सामना करेंगे आज साबिर और साइड में निकाल दिया है चार रन, बहुत ही शानदार चौका। और ये क्या फिर से निकाल दिया है चौका, दो पे दो बाउंड्री लगा दी यहां पे साबिर ने। बहुत अच्छी बॉल सीधे फील्डर के हाथों में, अगली बॉल सामना करेंगे साबिर और बहुत अच्छी बॉल, चार बॉल हो गए, चार बॉल हो चुकी है आठ रन। इनिंग्स का पहला ओवर चलता हुआ, सामना करेंगे साबिर, आगे निकल कर आए बैट और बॉल का जना सा संपर्क हुआ नहीं, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद। साबिर को काफी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। पार जाओ जाए एक ऊपर चढ़नी जरूरी है, पालकड़ ना सकोने इजराइली पालकड़। एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर है। साबिर को बहुत बड़ी जिम्मेदारी है साबिर के कंधों पर, अपनी टीम को आगे लेकर चलना है तो काफी संभल कर और सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद मारूफ की, बैट और बॉल का इतना सा संपर्क हुआ नहीं, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद और फुटबॉल गेंद, गेंद को निकालना चाहते थे बाउंड्री की तरफ लेकिन फील्डर मौजूद है, काफी
मुरारी जी जहाँ कहीं भी हो सब से कमेंट्री बॉक्स में एक मक्के की सुविधा उपलब्ध करवा दे भाई। मुरारी जी जहाँ कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में एक मक्के की सुविधा उपलब्ध करवा दे भाई। के क्षेत्र में खेला हुआ स्ट्रोक डॉक्टर साहब डॉक्टर पास की पास गेंद गई लेकिन फिर भी और क्लीन बॉल कर दिया हमारा उसने। नो बॉल का इशारा आराम पैर के द्वारा बिल्कुल भी अंपायर के साथ जिद पेश ना करें। नो बॉल का नो अंपायर से कोई बहस ना करें अंपायर से कोई बहस ना करें भैया अंपायर का जो फैसला है वो सर्वमान्य अंतिम होगा और सभी को मानना पड़ेगा। दोनों अंपायर पहले डिस्कस कर ले आराम से अंपायर का फैसला सर्वमान्य अंतिम रहेगा। नोदे की विवाद की स्थिति पैदा ना करे भाई अंपायर का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य अंतिम होगा। अंपायर का जो फैसला है वो सर्वमान्य अंतिम होगा सभी को मानना पड़ेगा। दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों को मैं बता देना चाहता हूं कि जल्द से जल्द मैच को स्टार्ट रखें वरना दोनों टीमों के ऊपर पेनल्टी लग सकती है। इस टूर्नामेंट से भी आपको बाहर होना पड़ सकता है तो कृपया समय की नजाकत को समझते हुए मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जो अंपायर का फैसला है वो सर्वमान्य अंतिम होगा। अरे कोई बात को नहीं हो जान दो नो बॉल तो होती रहेगी खेल के मायने झगड़ो क्यों करो अंपायर की आंगली भी उठे तो आउट माने जावे। साबिर लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी करते हैं मारूफ पिछली गेंद पे क्लीन बोल्ड कर दिया था लेकिन अंपायर के सर से नो बॉल करार दिया गया था। सीम पे टप्पा खाने के बाद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद कार्बन कमाल गेंदे डाल रहे हैं ये गेंदबाज मारूफ। शायद साबिर को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लेग स्टंप के काफी बाहर दिशा से भटके अंपायर का इशारा वाइड बॉल एक रन और आसानी से मिल जाएगा। बिल्कुल भी अंपायर से जिद पेश ना करें मारूफ आपको बार बार समझाया जा रहा भाई किस समय की नजाकत को समझते हो रात बहुत हो चुकी है। फुल टॉस गेंद क्या गजब का चौका जड़ा है थप्पड़ सा लगा दिया है मारूफ की गेंद पर गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा के बाहर चार रन के लिए। इनिंग्स का दूसरा ओवर चलता हुआ शॉर्ट गेंद फील्डर मौजूद है दो ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 19 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। जब तक साबिर बल्लेबाजी करता रहा तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है इस बल्लेबाज के लिए क्योंकि क्रीज पर बहुत बड़ा बल्लेबाज साबिर मौजूद है। सामना करेंगे इसराइल की गेंद का साबिर देखते हैं क्या कर पाते हैं। अभी तक काफी खूबसूरत बल्लेबाजी का नजारा हमें दिखाया है काफी गजब की गेंद सिम पे टप्पा खाने के बाद में सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद और क्लीन बोल्ड कर दिया है साबिर के ऊपर जुर्माना भी रख दिया गया है। ऐसी कोई हरकत ना करें कि आपकी टीम बिना खेले बाहर हो जाए खेल को खेल की भावना से खेलें। ऐसा मजाक जो करना हो अपने घर पे करें यहाँ पे मजाक नहीं चलेगा। और खिला दे मैंने एक मिनट मुरारी खड़े हैं बड़े डॉट गेंद आती हुई इसराइल के इस ओवर से इसराइल ने आते ही सभी का विकेट चटका दिया है क्योंकि इनके पास काफी अनुभव है इसराइल भाटी के पास है। इसराइल भाटी की अगली गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में खेला हुआ स्ट्रोक मारूवा मौजूद दोनों ही बल्लेबाज एक रन आसानी के साथ दौड़कर पूरा कर लेंगे। फिलहाल क्रिकेट क्लब को इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो काफी संभल कर सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। और स्टंप पे डाला हुआ गेंद सीम पे टप्पा खाने के बाद में सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। इसराइल भाटी की अगली गेंद सामना करेंगे शायद खतरा बन सकता था लेकिन बल्लेबाज अपनी क्रीज में सुरक्षित भाग्य ने इनका साथ दिया। तीन ओवर की समाप्ति के बाद टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन। नाम बताओ
और विकेट कीपर से मिस हुआ, गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा के बाहर। भाई साहब नाम, बल्लेबाज का नाम, रेड टी शर्ट, हेलो गुल्लू कोहली पहुंच चुके हैं क्रीज पर, बारूक का सामना करेंगे। गुल्लू कोहली गेंद को निकालना चाहते थे, गेंद थमा बैठे विकेट कीपर के हाथों में कैच, और बिलाल क्रिकेट क्लब को लगने वाला यह दूसरा झटका गुल्लू कोहली के रूप में, जो कि पेवेलियन का रास्ता इनको तय करवा दिया गया है। बल्लेबाज का नाम है, क्या खालिद, आते ही तेज गति के साथ लगाया हुआ स्ट्रोक, कवर पॉइंट के क्षेत्र में खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा के बाहर चार रन के लिए। मारू की अगली गेंद उतना ही खूबसूरत सौदा कतरा बन सकता था, लेकिन बॉल हाथों से छिटक गई मारू के, और बल्लेबाज अपनी क्रीज में सुरक्षित। बल्लेबाजी करें असूफ मारूफ, छोटे कद के गेंदबाज सामना करेंगे असूफ, कट करना चाहते थे, बैट और बॉल का इतना अच्छा संपर्क हुआ नहीं, विकेट कीपर के हाथों से छटकी गेंद, रन नहीं ले पाए, बिना किसी रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। मारूफ की अगली गेंद, गेंद को खोल कर निकाला क्रीज से, लेकिन इतना अच्छा कुछ फायदा हो नहीं पाया, एक रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। कबूतर उड़न मिलते भाई, ओवर की समाप्ति हो चुकी है कि अंपायर साहब थोड़ा ध्यान दो बॉल की तरफ, बॉल को काउंटिंग में रखो। सत्ताईस रन दो विकेट के नुकसान पे, पांच ओवर इसराइल घाटी लेके आते हुए, और ये क्या पहली बॉल पे ग्रीन बॉल, लगता है इस पूरे टूर्नामेंट में इसराइल घाटी पर्पल गेम में सबसे ऊपर रहेंगे। नाम क्या बेटा? उमर। उमर बल्लेबाजी की कमान उमर के हाथों में, टीम के कैप्टन, और बहुत ही शानदार। इसराइल अगर इस बॉल पे एक विकेट हो लेते हैं तो 151 रुपए के हकदार हो जाएंगे। बिलाल क्रिकेट क्लब के सभी खिलाड़ी जूझ रहे अपनी बल्लेबाजी से, इतना अच्छा कुछ कर नहीं पा रहे अपनी बल्लेबाजी से। बल्लेबाज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि नाम क्या बताएं। नाम बताए भाई, जाकिर, जाकिर बाट, जाकिर आ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए, तेज गति के साथ लगा हुआ स्ट्रोक लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, प्रशांत की पहुंच से काफी दूर पहुंचा दिया सीमा रेखा के बाहर चार रन के लिए। मुरारीलाल जी किशन भाई के लिए भुट्टा लेने गए थे, क्या हुआ? और फाइनल की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक, भुट्टे की सिकाई चल रही है, पूरी दिखाना है किशन जी दा रही है तो टाइम पास। हमारे बीच जौनपुरी भी पहुंच चुके हैं, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं इस दुर्गा पूजा क्रिकेट क्लब के ग्राउंड पर। व्हाइट बॉल का इशारा आराम भाई के द्वारा, और जयसिंह ठेकेदार जी हमारे बीच मौजूद है इस मैच को देखने के लिए, हम उनका भी दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं इस ग्राउंड पर। और खेल दिया छह रन के लिए। जय सिंह ठेकेदार से हमारा अनुरोध है कि कृपया थोड़ी देर अपना समय देकर जाएं इस मैदान पर। इस टूर्नामेंट में चार चांद लगाने वाले पुनीत जी शर्मा, जय सिंह ठेकेदार, बहुत बड़े बड़े नाम है। मुरारीलाल जी अभी बॉल नहीं आई है, दो बॉल चली गई है बाउंड्री के बाहर, थोड़ी अपनी व्यवस्था पर ध्यान दें। अब डॉक्टर साहब खुद अवार्ड लेके आए हैं जो टीम के कैप्टन है, मैं मुरारी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो कमाल संभाली थी वो हमें ड्रेसिंग वो कमेंट्री बॉक्स में पहुंचा दी गई है, तो हम उनको दिल की गहराइयों से उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं।
महाकाल रात्रि दुर्गा पूजा क्रिकेट क्लब के मैदान पर, क्योंकि आज जितने भी मुकाबले खेले गए थे बहुत बड़े बड़े मुकाबले हमें देखने को मिले थे। फाइन लेग की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक 6 रन लग जाएंगे शायद ही मैदान पे लास्ट जोड़ी पहुंचती हुई। एक और शॉट हो गया जब एक और बॉल मुरैला जी बॉल भुट्टे का स्वाद बाद में लेना पहले बॉल का स्वाद दो में। बोल पहुंचाई मैदान में कार्यकर्ताओं से अनुरोध है। जय सिंह जी ठेकेदार का भी दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता है महाकाल रात्रि दुर्गा पूजा क्रिकेट क्लब। जय सिंह जी से अनुरोध है कि प्लीज कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। कटकी हाल के हाथों के साथ खेला हुआ स्ट्रोक उतना ही तेज थ्रो किया आसिफ ने, लेकिन बल्लेबाज अपनी क्रीज में सुरक्षित थे। योगेश पांच ही बोल हुई है भैया, पांच ही बोल हुई। दो विकेट लिया, छह ओवर हो गया गिरे। डॉक्टर साहब काफी खुश नजर आते हुए पुनीत के लगी सीधी पोस्ट कर बॉलर है प्रशांत उर्फ लाला जो स्टार खिलाड़ी है। पागल हो रहा है। दो बॉल और बाकी है, लास्ट बॉल। ओवर हो गया, ओवर ओवर को नहीं हो रही, पांच हुई है, पांच बॉल। चलो वो गलती बाड़म गलती है, अब क्या नहीं बा बोल आउट हो गई।